जो सफेद बाल हो गए वो धीरे धीरे काले हो जाएंगे आपके बाल। आपको बथुआ ले लेना है, बथुआ लेने के बाद आपको 1 लीटर पानी डाल देना है, और उसी 1 लीटर पानी के अंदर आपको बथुए को डाल देना है और उसको उबालना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ हूँ, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप इसे देख रहे हैं तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत सी हमारी माताएं हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बाल के झड़नों को लेकर, उनका बाल झड़ने लग जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, झड़ते हुए बालों को कैसे रोका जाए। जब आपका बाल झड़ने लग जाता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और बाल झड़ते ही जाता है, आप वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तो उसके लिए मैं ये औषधि लेके आया हूँ, इसका इस्तेमाल करके आप अपने झड़ते हुए बालों को बिल्कुल रोक सकते हैं। बाल झड़ना चालू हो गया तो आपको डेली साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अगर साबुन आप लगाते हो तो 1 से 2 दिन गैप करके लगाना, आज लगाए हो तो कल गैप करना, परसों लगाना है। इसी प्रकार से आपको साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करना बंद कर देना है। और ये बालों का झड़ना कब चालू होता है कि अगर आपके पेट में कमी रहती है, आपके पेट के अंदर एसिडिटी गैस जैसी प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से आपके बाल झड़ने चालू होते हैं और आपके बाल पकने भी चालू होते हैं। अगर आपको पेट की समस्या है तो आपके 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पेट में किसी भी प्रकार की दिक्कत है या एसिडिटी गैस जैसी प्रॉब्लम है तो आपके बाल झड़ने चालू हो जाएंगे और आपके बाल जो हैं बाल पकने भी चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने पेट को सही करना है। आपका पेट सही रहेगा तो बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपके बाल जो पक रहे हैं वो पकना भी बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके बाल झड़ने चालू हो गए हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से आपको उसका इलाज कर देना चाहिए। अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपका बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपका बाल नहीं झड़ेगा और आपके बाल जो सफ़ेद होते हैं वो सफ़ेद होना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, सफ़ेद नहीं होंगे आपके बाल। तो दोस्तों ये जो औषधि मैं बता रहा हूँ, ये बालों को झड़ते हुए बालों को रोकने की औषधि बता रहा हूँ। इस औषधि का इस्तेमाल करके आपको अपने झड़ते हुए बालों को बिल्कुल रोक देना है। और जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए ये बता रहा हूँ मैं, वो इस औषधि का आपको इस्तेमाल करना है, सेवन करना है। अगर आप इस औषधि का इस्तेमाल करते हो, सेवन करते हो, तो आपके झड़ते हुए बाल बिल्कुल रुक जाएंगे और आपके जो सफ़ेद बाल हो रहे हैं वो सफ़ेद बाल होना भी कम हो जाएगा। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है कि इसे तो देखते ही पहचान गए होंगे कि ये क्या औषधि है। अगर नहीं आपको पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये काजू है, इसी का आपको सेवन करना है। इसका सेवन करके आपको अपने झड़ते हुए बालों को रोकना है। तो इसका सेवन कैसे करना और कब करना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले उसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेना चाहिए कि इसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसका सेवन कर सकते हो, लंबे समय तक आप इसका सेवन कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होने वाली है, आपको आपके बॉडी में फायदा ही होने वाला है इसका सेवन करके। उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, लगातार झड़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो डेली का जो आप डेली साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, डेली साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। 1 दिन गैप करके आपको साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करना है, ये प्रक्रिया आपको करना है। और दूसरी प्रक्रिया जो है वो क्या करना है कि आपको कंटिन्यू 4 से 5 काजू लेने हैं। सुबह जब आप सो के उठते हो उसी टाइम आपको 4 से 5 काजू लेने हैं और उसी काजू को खाना है आपको, उसी काजू को खा के आपको पानी पीना है। इस प्रक्रिया को आपको 1 महीने तक करना है कंटिन्यू, आपको काजू का सेवन 1 महीने तक करना है। और शाम को आपको क्या करना है, बथुआ तो आपको पता है, ये देख लीजिए बथुआ इसको बोलते हैं, आप इसको देख लो और पहचान लो, बथुआ आपको ले लेना है। शाम के टाइम आपको बथुआ ले लेना है, बथुआ लेने के बाद आपको 1 लीटर पानी डाल देना है और उसी 1 लीटर पानी के अंदर आपको बथुए को डाल देना है और उसको उबालना है। उसको 15 से 20 मिनट तक उबालना है। जब पानी का कलर चेंज हो जाता है, पानी का कलर हरा हो जाता है आपका, तब आपको इसको उतार के रख देना है। इसको उतार के रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद आपको शाम को इसका सेवन करना रहता है। शाम को आपको इसका सेवन करना है, जितना पानी आपको शाम को सेवन करना है, फिर अगले दिन इसी प्रकार से करना है। दोस्तों अगर ऐसा ये दोनों तीनों दोनों काम को आप करते हो, दोनों औषधियों का इस्तेमाल करते हो, तो जो आपके बाल झड़ रहे हो, आपका बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा
और आपके जो सफेद बाल हो रहे हैं वो सफेद बाल होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपके सफेद बाल नहीं होंगे, और जो सफेद बाल हो गए हैं वो धीरे धीरे काले हो जाएंगे आपके बाल। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें ताकि जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके और वो भी इस औषधि का लाभ ले सके। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।